अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ मिक्स वेजी रा, राइस बनाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार सिंपल एंड यूनिक तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन टू टेबल स्पून टू टू थ्री टेबल स्पून आप ऐड कर लीजिएगा अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज़ ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ साथ में इसमें वन टीस्पून ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा थोड़ी सी इसमें कलौजी ऐड करेंगे एक दारचीनी की स्टिक ऐड करेंगे साथ में इसमें ऐड करेंगे एक बादन का फूल एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे और एक, दो से तीन हम इसमें लौंग ऐड करेंगे साथ में कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं ये तमाम मसाले जो हैं ये पुलाव में ऐड करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे जो इनका टेस्ट है वो ज़्यादा इनहेंस होता है साथ में दो से तीन हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं प्याज को आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना बस लाइट सा पकाने के बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे जैसे देखिए मैंने आपके सामने इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो छोटे साइज़ के टमाटर मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर देते हैं और इसको पका लेते हैं टमाटर ऐड करने के बाद हमने टमाटर को अच्छे तरीके से गला देना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हम नमक जो है ऐड कर देंगे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेना इसमें साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च वन टीस्पून साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून हम हल्दी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ज़बरदस्त जी आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगा अब इसमें थोड़े से हम मटर ऐड कर देंगे तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर आप मटर ले लीजिएगा हाफ के जी की रेसिपी में इनको थोड़ा सा पकाने के बाद हम ले लेंगे आलू ऐड कर देंगे इसमें आलू भी आप बेशक एक बड़े साइज़ का ले लें अगर छोटे हैं तो आप दो ले लें जो सब्जियां ज़्यादा टाइम लेती हैं उनको हम पहले ऐड कर देंगे चलें जी ज़बरदस्त इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी जो है हल्दी ऐड कर देते हैं मज़ीद अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं बहुत ही मज़े का और यमी पुलाव बनेगा जब आप ये वाला पुलाव खाएंगे तो आप चिकन वाले पुलाव को भूल जाएंगे ये भी बहुत टेस्टी बनता है आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं चलो जी ज़बरदस्त बहुत ही यमी लग रही है इसकी लुक अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर गाजर मैंने एक बड़े साइज़ की ले ली थी और इसको इस तरह से चॉप कर लिया था इसको भी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं सब्ज़ियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे ज़बरदस्त बहुत ही यमी इसकी लुक लग रही है जब हम इसकी फाइनल आप लुक देखेंगे तो आपको और भी मज़े का लगेगा अच्छा दोस्तों इसमें मैंने एक और सब्ज़ी ऐड करनी है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च लेकिन वो मैं इस स्टेज पे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कैप्सिकम को ज़्यादा पकाया जाए तो वो कड़वा टेस्ट देती है तो मैं इसको लास्ट पर ऐड करूँगी अब इसमें हम ऐड कर देते हैं दो गिलास पानी गिलास आपका मैंने जो है शीशे का ग्लास लिया तो आपने उस हिसाब से ही इसमें क्वांटिटी ऐड करनी है अगर आपका ग्लास बड़ा है तो आप एक ही ऐड करें अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें जो है चम्मच हिला लेते हैं ये देखिए तकरीबन हमारी सब्जियां जो है नाइन्टी फाइव परसेंट पक चुकी हैं अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं चावल मैंने धोकर भिगो के रख दिए थे और अब इसमें ऐड कर देते हैं ऐड करने के बाद अच्छे से इसमें चम्मच ला लेते हैं और अब इस पो पानी को हमें खुश्क करना है और जब ये तकरीबन खुश्क होने भी आ जाएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे ज़बरदस्त ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है अब इसका पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया बहुत ही यमी खुशबू आ रही है देखिए अब ये लास्ट स्टेज है इसकी तो अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देते हैं इस तरह से कैप्सिकम जो है वो ज़्यादा नहीं पकेगी कलर देखें और इसका कितना कलरफुल लग रहा है ये पुलाव आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं ज़बरदस्त देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है अब हम जो है इसको दम पर लगाएंगे ये देखें जब इस स्टेज पे आ जाएगा ना हल्का सा पानी रह जाएगा तो अब हम इसको दम पे लगा देते हैं चैलेंज अब इसकी लिड लगा देते हैं और इसको तकरीबन पाँच मिनट के लिए दम लगा देते हैं दम हो चुका है ये है हमारी चावलों की फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की है देखिए मिक्स करके इन्हें देखते हैं और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी हमारा जो है मिक्स वेजी पुलाव रेडी है आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे दीजिए इजाज़त मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हाफिज़